तो ये देखो प्यारे बच्चे, इस वाले सवाल में क्या कहा जाए, सिंपल पेंडुलम हैंग फ्रॉम द सेलिंग ऑफ द रेलवे कैच मेक 30 डिग्री विद वर्टिकल। देखो अगर ये एंगल, ये पूरा का पूरा डिब्बा जो है बोगी है, रेलवे क्या है, रेलवे कैरियेज है, ठीक है ना, और ये पूरा फ्रेम ए एक्सलेशन से आगे जा रहा है, तो ये जो थीटा है, समझ रहे ना, ये थीटा, ये एक्सलेशन डिपेंडेंट है, थीटा यहाँ पर एंगल 30 डिग्री है, ठीक है ना। अगर तुम समझो, अगर ए की वैल्यू 0 होगी ना, तो सिंपल पेंडुलम जो थीटा होगा, ये जो थीटा है वो 0 होगी यार। थीटा, ए की वैल्यू 0 होगी तो थीटा की वैल्यू 0 होगी। ये वेलोसिटी इनडिपेंडेंट है, मतलब अगर ये कार्ट जो है, समझ रहे ना, ये कार्ट अगर यहाँ सिंपल पेंडुलम हैंगिंग है, तो अगर इसका वेलोसिटी कांस्टेंट है या एक्सलेशन 0 है, अगर इसका वेलोसिटी 100 भी किलोमीटर पर आवर है, फिर भी यहाँ पे थीटा 0 आएगा, या रेस्ट में हो, ठीक ना, या रेस्ट में हो, कांस्टेंट वेलोसिटी हो, तो एक्सलेशन 0 होगा कुल मिला के। तो ये वेलोसिटी, इस पे सूडो फोर्स लगेगा ही नहीं, जब सूडो फोर्स लगेगा नहीं तो ये डिस्प्लेस ही नहीं होगा यार, दो ही फोर्स लगेगा, टेंशन ऊपर लगेगा, एम जी नीचे लगेगा, हॉरिजॉन्टल में फोर्स ही नहीं होगा, लगेगा तो डिस्प्लेस क्यों होगा मेरे भाई, समझ में आ गया। तो ये एक्सलेशन लग रहा है जिससे थीटा डिग्री डिस्प्लेस हो गया है, ठीक है। तो हमें करना है थीटा की क्या निकालना है, एक्सलेशन ऑफ फ्रेम, एक कैरियज का एक्सलेशन निकालना। तो इसको मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम से कर रहा हूँ, सूडो से कर रहा हूँ, आप रियल से भी कर सकते हैं, दोनों से सोल्यूशन सेम होगा। ये एक ऑब्जर्वर है जो उसी फ्रेम में बैठा हुआ है और वो सॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो वो कहेगा कि ये हॉरिजेंटल वाली लाइन है, और ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठा हुआ ऑब्जर्वर सबसे पहले इस पे सूडो लगाएगा। सूडो कैसे लगाते हैं, मास ऑफ द बॉडी और एक्सलेशन ऑफ फ्रेम के अपोजिट। मास ऑफ द बॉडी इस ऑब्जर्वर का फ्रेम राइट साइड है, तो ये लेफ्ट साइड सूडो एम ए लगा देगा इस साइड, ठीक है। इसके अलावा ये रियल फोर्स तो लगाएगा ही लगाएगा, टेंशन तो लगाएगा ही लगाएगा, और यहाँ से एक एम जी लगा देगा, ठीक ना, एम जी लगा देगा ये वाली चीज़, ठीक है। तो बस ये वाली चीज, ये जो है, अब वो ये सारे फोर्सेस हम लग गए तीनों। अब ये कहेगा इसको क्या दिखाई देगा, सिंस एक्सलेशन कांस्टेंट है, तो एक्सलेशन कांस्टेंट होने की वजह से बॉल भी इसको रेस्ट में नजर आएगा, तो टेंशन का एक, अगर ये थीटा है तो टेंशन का एक कंपोनेंट ऊपर जाएगा जो होगा टी कॉस थीटा, और टेंशन का एक कंपोनेंट इधर आएगा जो होगा टी साइन थीटा, ठीक है यार। इक्विलिब्रियम में है किसी का भी, तुम मतलब हमें जी ए निकालना है, तो यहाँ से तुम देखोगे तो हाँ, टी साइन थीटा बैलेंस किया होगा सूडो को, एम ए को, दैट्स वाई द रेस्ट, और टी कॉस थीटा बैलेंस किया होगा वेट एम जी को, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो अगर डिवाइड करोगे तो टेन थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी ए बाई जी, मतलब ए की वैल्यू आ जाएगी जी टेन थीटा, ठीक है ना। अब ए की वैल्यू जो जी टेन थीटा आ जाएगी, यहाँ थीटा की वैल्यू डाल दो, तो एक जी की वैल्यू यहाँ से 10, और थीटा की वैल्यू क्या है, टेन थर्टी। टेन थर्टी कितना होता है, √3, तो जी बाई यहाँ से इतना 10/√3 मीटर, या जी के टर्म में देखोगे तो g/√3 m/s² इतना एक्सलेशन दे दोगे तो जो है वो 30 डिग्री पे जाके रुक दे, मतलब हमारा डी ऑप्शन इसमें से सही बन जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।